हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी लाइफ चल रही होगी। तो जैसे कि आजकल एक इशू चल रहा है हमारा रेप केस का मोटरवे, तो उस पर मैंने कुछ चीज़ें सोची थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे तो बहुत दुख की सिचुएशन है सारी के ये सीन अभी भी हो रहे हैं, मतलब रेप केसेस। तो मैंने परसों कोई मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में पता चला कि किसी शहर में पाकिस्तान में ही रेप हुआ है और उस लड़के ने जिसने रेप किया था उसको पकड़ा। तो उसका कोई 2011 का या आई थिंक 2012 या 2010 में किसी एक में क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला, जिसमें तब भी उसने 6 साल की बच्ची का रेप किया था। तो मतलब एक जो मुझे चीज़ समझ आती है वो ये आती है कि अगर एक बंदा इस तरह का कोई करता है क्राइम, तो वो तो वैसे भी मेंटली तौर पे सही नहीं है, मतलब मेंटली तौर पे वो इल है। तो उसको कैसे रिलीज़ कर दिया आपने दोबारा से, और वो कैसे मतलब आम लोगों के अंदर घूम रहे, क्योंकि उसकी दिमागी हालत तो ठीक है ही नहीं, वो बीमार है एक तरीके से। तो वो अगर पहले एक दफ़ा ये हरकत कर चुका है तो 110% चांसेस है कि वो दोबारा कर सकता है, जब तक उसके प्रॉपर इलाज ना हो उस बंदे का। और उसको उन्होंने फ्री किया हुआ है, वो बाहर घूम रहा है, और फिर उसने 2020 में 9 साल बाद दोबारा उसने रेप किया और उसको अब पकड़ लिया गया। डीएनए वीएनए सब चीज़ें हो चुकी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 9 साल बाद तो अब इन्होंने पकड़ा है ना, इसके बीच में हो सकता है कितनी बार किया हो जिसमें चीज़ें सामने ना आ सकी हो। तो मतलब एक कॉमन सी बात है कि जो बंदा है ही मेंटली तौर पे इल, उसको फ्री क्यों करें? डायरेक्ट उसको फांसी दें, सिंपल से ख़त्म करें उसको। और फांसी भी मतलब इतनी आसान क्यों? मतलब वैसे तो मेरे भी यही है कि फांसी दें और इनको, वही बेहतर है। पर इनके साथ कुछ ज़्यादा इनकी सज़ा ख़तरनाक होनी चाहिए, ताकि लोग जो दूसरा बंदा है जो इस तरह का सोच रहा है करने को, वो सोचे ही ना इस तरह की हरकतें। जैसे कि ज़ियाउल हक़ के दौर में फांसी का कहा था तो 10 साल तक तकरीबन कोई भी रेप केस नहीं आया था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था मेरी तरफ से कि लोग डर रहे थे, जो भी बंदे थे इस तरह के वो डरते थे काम करने से कोई भी इस तरह का, और एक आपका अच्छा था। और अभी जो लोगों ने इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है कि आपने आवाज़ उठाई, सबने आवाज़ उठाई, इससे काम हुआ। पर यह कि अभी भी हो सकता है कि कितने सारे लोगों के साथ, मतलब लड़कियों के साथ या औरतों के साथ हुआ हो जिनका नहीं आया हो, या जिनके साथ हो रहा हो और उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो। तो इसका कोई प्रॉपर हल मेरे हिसाब से निकालना चाहिए, ताकि इसमें ये चीज़ रोकी जा सके। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ ये कह रही थी कि वैसे तो मुझे नहीं मालूम कि ये सही है कि नहीं है, पर जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, इन सबको अपनी सेफ्टी के लिए, मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा कि यार कोई भी नाइफ अपने साथ कैरी करें, या कोई भी टूल ऐसा कैरी करें जो सेल्फ डिफेंस में बंदा इस्तेमाल कर सकता हो, इस चीज़ को आम कर दें, ताकि आप तो कम से कम अपनी सेल्फ डिफेंस करें उस टाइम पे। बेशक पुलिस आएगी और सब पूरा लॉ के मुताबिक काम होगा, पर आपको सेल्फ डिफेंस करनी आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप में से काफ़ी सारे लोग आईफोन यूज़र होंगे, मैं भी आईफोन यूज़र हूँ, तो उसके अंदर एक है कि अगर आप होम जो लॉक की होती है उसको अगर 5 दफ़ा दबाएंगे तो इमरजेंसी कॉल जाती है, मतलब एसएमएस जाता है और आपकी लोकेशन जाती है। ये मैंने भी एक दफ़ा किया था ट्राई करने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा गया था, जो 3 कॉन्टैक्ट मैंने डाले थे उसके अंदर उनके पास गया था और लोकेशन भी गई थी। तो ये एंड्रॉयड में भी ऐसा ही सेम टू सेम है। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड में आप लोग ये चीज़, मतलब जितनी भी लड़कियाँ हैं, ये उन सब के लिए और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सबके लिए, सेफ्टी के लिए, कि एंड्रॉयड है तो आप लोग इसमें भी ये चीज़ इनेबल कर लें, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग इसमें भी ये चीज़ इनेबल करें, ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन ये इनिशिएटिव लेके आप लोग का मैसेज वैसेज जो है वो आपके फैमिली में से किसी ना किसी के पास पहुँच जाए। उसके अलावा गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस हैं सेल्फ डिफेंस की, कि आपको अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह करना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो वो लाजमी आप लोग देखें, ताकि बेशक बेशक नहीं होगा किसी के साथ, इंशाल्लाह ताला कभी किसी के साथ ऐसी चीज़ ना हो, पर सेल्फ डिफेंस आना लाजमी चाहिए हर इंसान को, ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो आप अपना जो चीज़ है ना, आप अपने आप को बचा सकें। तो इस चीज़ को आम करें, अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें कि इस टाइप की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
और जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी लड़कियों के लिए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगी। ये चीज़ अपने घर में जितनी भी छोटी लड़कियां हैं बड़ी लड़कियां हैं इन सबको ये चीज़ की नॉलेज दें कि अगर बंदा बैड टच और गुड टच, आप लोग उसको समझाएँ कि कोई बंदा अगर आपको कहाँ टच करता है तो ये बैड टच है और कौन बंदा अगर आपको कहाँ टच करता है तो गुड टच है। और इसमें भी कि आपके फैमिली के अलावा आपको कोई भी टच ना करे, ये अवेयरनेस आपको बच्चों को अभी से देंगे तो वो बड़े होते जाएंगे तो उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ आम करें, मतलब इस नॉलेज को, कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सेल्फ डिफेंस कैसे होगा और आपके साथ कब कोई गलत चीज़ हो रही है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर लड़कों में भी देखा है कि मजाक मजाक में सब चल रहा होता है तो उनको ये नहीं पता होता कि यार कब उनके साथ मजाक हो रहा है और कब कौन बंदा सीरियस हो रहा है। तो ये चीज़ लाजमी देखनी चाहिए और बतानी चाहिए ताकि कोई भी बुरे सीन से बच सकें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे अपने, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक दुआओं में याद रखें और प्लीज़ ये अवेयरनेस प्रोवाइड करें सबको। तो अल्लाह हाफिज़।